ऊंचा यहाँ से चढ़ा था और यहाँ तक। अच्छे से ध्यान से देखो, यहाँ आकृतियाँ उतरी हुई हैं। अच्छे से देखो, सही सही है। देखो ना, अच्छे से देखो, फेस बने हुए हैं। यहाँ देखेंगे ये आकृतियाँ बनी हुई हैं इस माउंटेन के ऊपर। वो जगह जहाँ से 10 कमांडमेंट मिला था, ऊपर ये वाइट वाइट हल्का सा पत्थर देखेंगे आप, यहाँ पे मिला था। और ये देखेंगे यहाँ पे घर है। और बहुत सारे ऊंट, लोग आज भी यहाँ रह रहे हैं। एक अलग प्रजाति है जो सब में मिक्स नहीं होती, और इतनी गर्मी में भी इतनी अच्छी हवा चल रही है जो सच में परमेश्वर ही इस पत्थरों में, जबकि पत्थरों की जगह पे तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं कि इतनी बढ़िया हवा चल रही है। दिख रहा अब धीमे कर रहा हूँ मैं। ये वो स्थान है जहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। जो वाइट रंग का बिल्डिंग छोटा सा देख रहे हैं, बिल्डिंग उस स्थान पर, उस स्थान पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। और आप सब ताजुब करेंगे, इन स्थानों का मुस्लिम ही देखभाल कर रहे हैं। वो जो वाइट चिन्ह दिख रहा है आपको, वो तो है। चलो, ये मार्को पोलो वोल्वो है और ये इनकी नंबर प्लेट इजिप्ट की। इजिप्ट लिखा हुआ है। ये मर्सरीज मर्सरीज हैं, दो वाल्वो, दो मर्सरीज और एक खटारा गाड़ी बीच में, जनरल मोटर्स की। और ये पगली लड़की ये परमेश्वर का एक और चमत्कार मूसा को, ये जो 70 खजूर के झाड़ और 12 सोते जो पानी के फूट के यहाँ से निकले थे, ये चिन्ह भी दिख रहे हैं इसके। चले दो दो, एक एक मिनट। ओके ओके, आगे आपको यू विल सी मारा
I would say who have nobody to look after them. These unfortunate girls, especially who come from Mizoram, who are HIV AIDS, and who are working in spas. And these people, they don't really know the love of Jesus. So I pray for them. Sometimes I do advise them also, but most of the time before I leave them, I pray for them. And that is how we do the ministry in Delhi. And lastly, I'd like to thank everyone who are a part of this group. And I want to thank Pastor Robin Joseph also for encouraging me. And then I will always remember him for sending me those encouraging Bible words. And there are particularly three of them I saved in my phone, which I like very much, and they came at exactly the time I need them. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you. इस क्षेत्र का नाम है मारा, और ये जो आप कुआं देख रहे हैं, कुछ लोगों ने बुरी तरीके से गंदी बाटलें फेंक दिया है, परंतु ये जो जगह है ये पूरा कड़वा पानी था, और इस कड़वे पानी को मूसा ने एक पौधे के द्वारा जो पौधा लगाया उसने अंदर, तो ये कड़वा पानी मीठा हो गया, और हजारों लोगों ने उस पानी को पिया। आज भी इसमें पानी है, परंतु उसकी देख रेख सही तरीके से नहीं होने के कारण ये काफ़ी बुरी स्थिति में है, जो दुर्भाग्य है। अगर ये हिंदुस्तान में और कहीं और होता तो इसका बड़ा ध्यान रखा जाता, परंतु ये क्षेत्र जो है अधिकतर ऐसे लोगों के बीच में फंसा हुआ है जिसमें किसी का नियंत्रण नहीं है। खानाबदोश टाइप की जाति है जो यहाँ पे रहती है, और इसी के जरिए व्यवसाय भी कर रही है, परंतु उसको अच्छे तरीके से और रखते तो शायद उनको बहुत फ़ायदा मिलता। ठीक है, दूसरा बात, ये वो एरिया है जहाँ पर जो पत्ते को डाल के जिस पानी को कड़वा पानी था, पीने लायक बनाया था इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने, ये वो जगह है। मगर एग्जैक्टली वो कहाँ पे था वो सोता, जिस जगह पे पत्ता या वो पेड़ डाला गया था जिसने उस पानी को मीठा किया था, वो नहीं है यहाँ पे, पता नहीं है कहाँ पर, मगर यही वो एरिया है हमारा का एरिया कहलाता है। इज इट क्लियर? सामने आप देख रहे हैं वो स्विस कैनल की शुरुआत है, यही समुद्र है, बड़े बड़े शिप्स है, ठीक है, और यही समुद्र के नीचे से एक सुरंग का रास्ता अभी आने वाले समय में हम लोग ये सब खाना बदोस है सत्यानाश करके रखा लोगों के पास भी कभी कभी नल्ले चीज मिल जाती है वो टनल है उसके ऊपर से समुद्र का नीचे हो सकते वो मिल जाता है उनके पास चलो भैया। दिस साइन है। He came here for this with his people. He want to go to Jerusalem. Yes. So he takes this route. He took from there. He came like this. Yeah, from this he came this way. This way and then he to Israel. Yes. Okay. Israel is there. Israel is there. You came from Israel. From there like this. We make different. We already came from Egypt to Sinai to Israel. We came from Israel. ये वो एरिया है जो याकूब के 12 कुएं की चर्चा है। तीन कुएं बड़ी मुश्किल से बचे हैं। एक कुआं जो पानी वाला था वो बताया कि कैसे कड़वे पानी को मूसा के द्वारा मीठा किया गया। एक ये दूसरा कुआं है
जो सूखा है लेकर नहीं तो इसको खुदवा दे अच्छा सा। ब्रदर यहाँ किसी को कुछ पड़ा नहीं है, वो तो ऐसे ही है तो है बस। चाहे तो कोई ट्रस्ट ले सकता है इसको। ये देखो ये कुछ एक नई चीज देखने को मिल रही है, एलईडी लाइट है। ये दूर दिखाई दे रहा रेड सी, और इसी के बाजू में स्विस कैनल करके जगह है। ये बड़े बड़े कंटेनर आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ से बड़ी बड़ी सीपों में लद के जाते हैं। ये मारा का क्षेत्र है, याकूब के 12 यहाँ पर कुएं थे और कड़ुए हो गए थे पानी परमेश्वर की आशीष और एक पौधे के डालने के बाद वो पानी मीठा हो गया। और ये जो देख रहे हैं हम बहनों के पीछे, ये हमको लाल समुद्र और स्विस टैनल जहाँ से स्टार्ट होता है वो एरिया भी है साथ में। व्हाट नाउ फोटो किलोमीटर है जो इस प्रकार से चल रहा है और
इस टैनल को फ्रांस और इंग्लैंड दोनों देश ने मिलके बनाया था और ये इसकी एशिया से क्रॉस होकर अफ्रीका के अंदर एंटर हो रहे हैं। अब हम एशियन कंट्री को छोड़कर अफ्रीका में जा रहे हैं। ये चौथा देश है हमारे लिए, पहला जॉर्डन, दूसरा इसराइल, तीसरा इजिप्ट और चौथा हम देखने जा रहे हैं अफ्रीका। हमारे ऊपर छत है और छत के ऊपर समुद्र का पानी है। समुद्र का पानी जो है ऊपर से जा रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे वाटरलू लंदन से हम पेरिस जाते हैं, तब 90 किलोमीटर का टनल हमको मिलता है जो मात्र 20 मिनट में ट्रेन वहां से पास हो जाती है। ये रेड सी और स्विस कैनल दोनों के ऊपर बना है और अब इस पे इजिप्ट का पूरा कब्जा है। अब इजिप्ट जो है इस पे पूरा कब्जा किया हुआ है और इसकी जितनी भी कमाई होती है ये इजिप्ट के विकास के लिए काम में आती है। ये फ्रांस और इंग्लैंड ने ही ये टेक्नोलॉजी लाया है। सबसे पहले दुनिया में वाटरलू लंदन से लेके डी नॉर्ट पेरिस तक 90 किलोमीटर का टनल समुद्र के नीचे से बना है और 96 में जब मैं गया था तब वो ट्रांसपेरेंट था लेकिन किन्हीं कारणों से अब उसे बंद कर दिया गया है। 14 किलोमीटर तक हम समुद्र को देखने पाए थे परंतु यहाँ छत है, छत के ऊपर समुद्र है और ये अब हम टनल के बाहर निकल गए हैं करीबन 4 मिनट के अंदर। जैसे किरुमीना या दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया। आई एम इन अफ्रीका या यू आर इन अफ्रीका। दिस इज अंकल अशोक and he's the owner of this camera. Yeah, and right now he's in Africa. Thank you. And experience the Holy Land. Holy Land, yes. Everybody come to Holy Land. Now Israel first, Jordan first, Israel second, third is Egypt and fourth Africa. ये हमारा नया होटल कैरो, इजिप्ट की राजधानी और इसमें ये होटल ऑसिस। उसमें ये एक इसमें एक हमारी लल्लो और एक हमारे पच्चो ये दोनों जो हैं ये हमारे लव बर्ड हैं इस समय इस सीजन के। ये होटल का व्यू है बहुत सुंदर और कमरे भी बहुत सुंदर हैं, वो आपको बताऊंगा। ये रूम्स हैं, ये सुंदर रूम्स, ब्यूटीफुल कटिंग्स। ये हमारा होटल आशीष, बर्गी शंकर बहन बैठी हुई हैं, मामा और सोमी बैठे हुए हैं, परवेज बैठे हुए हैं और ये स्विमिंग पूल है। सब परेशान हैं कि किसी से बात हो जाए।
सब 4-star 5-star होटल्स हमको मिली हैं। खाना पीना भी बहुत ही बढ़िया है। और अब हम अपने डाइनिंग टेबल पे जा रहे हैं। भाई जय मोजेस परेशान हैं, हेलो, कि इनका कुछ हो नहीं रहा है। आइए प्लीज़ काम। ये रांची वाले जमशेदपुर, रांची झारखंड, और ये हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। हेलो ब्रदर, ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, नाइस, वेल डेकोरेटेड एंड वेरी नाइस रेस्टोरेंट। ये ब्रेड्स के आइटम, नाश्ता बहुत बढ़िया है। ये सारे सलामीज रखे हैं अलग अलग तरीके से। ये सलाद रखा हुआ है, ये आइटम्स हैं। दो मेरे लिए ये डाल देना यार, गेहूँ वाली, ब्राउन वाली। अंडे हैं, कटलेट है, आलू है, और ये रोस्ट केक है यहाँ का। ये जूसेस हैं, ये टी एंड कॉफ़ी, ये स्वीट, कॉर्नफ्लेक्स, और ये मैं हूँ इस समय। हम ये इजिप्ट में आए हुए हैं। ये पिरामिड के लिए फेमस है, ममी के बारे में जो सुना है आपने, ममीज। और ये एक एक पत्थर कई कई टनों का है, आपको अंदर जाके एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। ये हमारे गाइड हैं हनी, ये हनी हैं गाइड हमारे, पिरामिड। ये हमारा गुरु पा रहा है, और ये सामने पिरामिड देख रहा है। अंदर से और अच्छे से लेंगे, काफ़ी बड़ा पिरामिड है। हाउ मच हाइट? 147 meters। 147 meters इसकी हाइट है, 147 meters इसकी हाइट है। ये लोग काफ़ी भीड़, इंडिया से काफ़ी लोग हैं। 147 meters ऊंचा है। साढ़े 400 feet करीब करीब ये ऊंचा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर जाएंगे तब समझ आएगा। मामा सोमी, किसी को 100 rupees का चेंज चाहिए तो सोमी से मिल ले, वो 20 और 10 के आपको मिल जाएंगे।
हाँ बेटू एक्चुअली ये धूप है पर आ रही है ये वाली ये पिरामिड लगभग 450 फीट ऊंचा है व्हाट अ पिक इजिप्ट में हूँ। मेरे पीछे जो पिरामिड दिख रहा है वो 147 मीटर ऊंचा है, लगभग 450 फीट। ये देखें आप, इसमें जो पत्थर लगे हैं कई टनों से लगे हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक पत्थर जो है यहाँ पे 10 टन के ये पत्थर। कैमरा देखेगा तो आपके ऊपर फाइन मारेगा, पुलिस मारेगा तब देखेंगे। यह पिरामिड का नाम है फोपो। ये मिस्र में, इजिप्ट में फोपो के नाम से प्रसिद्ध है। 7 आश्चर्य जो दुनिया के हैं ये उसमें एक में शामिल है। इसकी लंबाई 147 फीट थी, 7 फीट कम करके इसको 140 कर दिया गया है। और ऊपर उसके अगर आप अच्छे से देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ पे एक लोहे का तड़ी चालक बिजली से बचाने के लिए लगाया गया है। ये है दुनिया के 7 आश्चर्य कर्म में एक। मैं फोफो पिरामिड के बिल्कुल नज़दीक हूँ और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो देखेंगे बीच में आप, जूम करता हूँ, लाइट के कारण बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। ये वो मेन दरवाज़ा है, अंदर जाके भी देख सकते हैं लेकिन अब कुछ नहीं है इसके अंदर। गवर्नमेंट ने खुद नहीं इसको खाली कर दिया है। ये लगभग 300 मीटर चौड़ा और 140 मीटर 140 मीटर ऊंचा है। और यहाँ एक एक पत्थर 3-3 टन का भी है और आप देख रहे हैं इसकी मोटाई। ये इसके बारे में डिटेल्स है। द क्लाइम्बिंग द पिरामिड्स, नो फोटो इनसाइड द पिरामिड एंड द टॉम्ब्स, नो स्मोकिंग इनसाइड द पिरामिड एंड द टॉम्ब्स, कीप द साइट क्लीन, नो टच, नो राइटिंग ऑन द वॉल, no liquids inside the pyramid and the tomb।
ये हमारे परवेज भाई सरताज, ये सरताज ये भी बड़े नटखट हैं, बच्चों का स्वभाव है इनका प्यारा प्यारा, और बहुत भलाई के ये काम कर रहे हैं। बार मैं भी रूबरू हो जाऊं, ये हमारे रोबिन जोजफ कैप्टन ऑफ द सीप, और साथ साथ आश्चर्य कर्म में ये मेरे लगभग पूरे हो चुके हैं, यही नहीं देखा था। बाकी दुनिया के सारे आश्चर्य, जो सात आश्चर्य हैं वो देख चुका हूँ, एक आखिरी था ये मेरा डेस्टिनेशन, मिस्र के पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड। ये हमारे ग्रुप के भाई लोग हैं, बहन हैं, ये गिर पड़ने के बावजूद भी चल रही फिर रही हैं, ये हमारी बहुत प्यारी सोम में मुस्कुराहट वाली बहन, शांत हृदय की, किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं। ये हमारे ग्रुप के लोग हैं, ये लखनऊ से आए हैं CNI चर्च से, ये भुसावल से आई हैं बहन, आप लोग भी ऊपर कौन चढ़ेगा, मृत सागर देख लिए, मृत स्टोन देख लिए, मरे हुए पत्थर और उनके अंदर मरी हुई चीजें, ये हस्बैंड वाइफ हैं, भैया बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और सबको परमेश्वर का अनुग्रह है। ये मामा हैं, ये मिजोरम से हैं, और ये मामी हमारी सोमी हैं, दिल्ली में बहुत अच्छे काम कर रही हैं, और ये भाई हमारे, और ये भाई की बहन भी कूद के जल्दी से आ गई कि मेरी फ़ोटो भाई के साथ होनी चाहिए। ये आप लोग रतलाम से हैं, रतलाम, लखनऊ, मिजोरम, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगह से लोग आए हैं। Sudah mulai panas, ayo. This is first pyramid, name is Fofo, then second pyramid Fofo Sun, and third pyramid Fofo Grandson. ये जो तीनों पिरामिड हैं ये दुनिया के आश्चर्य कर्म में आते हैं, और आपने देखा पहला सबसे बड़ा जो है उसका नाम है फोपो, और ये जो सेकंड है ये बना है लाइम स्टोन से, और ये जो थर्ड है ये बना है मार्बल से, इसलिए ये सबसे महंगा है। और ये जो फोपो है द बिग वन, ये प्योर स्टोन से बना हुआ है। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम? चाइना। इट्स ए नाइस, आई हैव सीन चाइना, हांगकांग आल्सो, समसुइंग एंड संघई, एनी अदर प्लेस। The people is very nice. China people is very nice. Very humble and polite.
very nice welcome in Egypt. ये जो दिख रहा है सहारा मरुस्थल है, दूर दूर तक जहाँ नज़र जाएगी सहारा मरुस्थल दिखाई देगा। और सहारा में हम रोबिन के साथ खड़े हुए हैं, ये हमने पढ़ाई पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, गॉड इज गुड इन दिस डेजर्ट आल्सो, नो डाउट नो क्वेश्चन एट ऑल, गॉड इज ऑलवेज गुड। ये ऊँट है यहाँ पर, तो उसकी सवारी लोग $5 में कर रहे हैं। इसे हमने पढ़ाई पढ़ा था और आज सहारा डिजर सहारा मरुस्थल जो है ये देख रहे हैं, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। और सहारा तुम्हारा तो, सहारा तुम्हारा तो, शेख साहब कह रहे हैं इसका नाम सहारा तुमातो है। ये है श्रापित जगह, ये आशीषित जगह नहीं है, ये श्रापित जगह है इजिप्ट। और पुराने नियम के हिसाब से इन्होंने बहुत सताया है, इसलिए ये श्रापित जगह कहलाती है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई आशीष नहीं है। $1 Hello, come on, madam. $3, $1 ये जो पिरामिड है उस समय के राजा का जो इन सब जगह का मालिक है। वो कहाँ पर है भाई? ये हम बस के सामने से रुकेंगे। Representing the king with lion body, which means power and strength of animal, with the face of a man, which means wisdom of human. This is the Sphinx. Its Arabic name Abu al-Hawl, which means the father of the fears. Zal, look me up, friends.
अभी हम ये सेंट जॉर्ज में आए हैं, सिमेट्री है, यहाँ एक छोटा सा चर्च भी है। ये हमारे क्रिश्चियन लोगों की सिमेट्री, इसको कब्रिस्तान भी बोलते हैं। एंटीक रखा हुआ है यहाँ पे, बेबीलोन के ज़माने में जो डोम आगे था, हम उस नील नदी में पहुँचे हैं जहाँ पर मूसा को नदी में बहा दिया गया था और फिरौन की बेटी ने आके उसे अपना पुत्र बना लिया था। और इसी नील नदी को खून के लाल पानी में बदल दिया गया था। लोग इस क्रूज से आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। जय भैया, काले काले दिख रहे हैं। चम्मच चावल आगे पानी लेके जाए। Habibi, Habibi, just we make way like this. Yes. Are you ठीक ठाक? कुछ लोग पे ऐसा कर बिल्कुल जैसे बांध दिया हो किसी ने। अब इजिप्ट में आओगे तो कोई अच्छी चीजें थोड़ी मिलेंगी। क्या चीज खाना आने दीजिए फिर चलाना। हाँ पहले एक बार ग्रुप का ले लूँ, ग्रुप को ले लूँ एक बार। क्या उसी में कैमरा डाल दूँ? काला काला आ रहा हूँ। आज तो मैं नवर
Nahuns. And it's very expensive. Nahuns? Royal way.